Kashmiri girls continue to register victories both on and off field, and Rubiya Sayeed is one amongst them. Rubiya recently participated in North Zone women's team organised by the BCCI at Mumbai and shone brightly on the field. मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर देखा जाए तो मेरे जितने मतलब गांव वाले हैं यहाँ पे, मुझे हर एक गांव का जितना जो भी है मुझे हर एक सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैं जाती थी खेलने के लिए, सब यहाँ पे खुश हो रहे कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी लड़की हमारा नाम रोशन करे। और आज मुझे लग रहा है कि उसका फल मुझे मिला, एक प्लेटफॉर्म मिल के, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं सब मेरी वजह से, मेरी कामयाबी की वजह से हर एक बंदा यहाँ पे खुश है। मैं यही मैसेज करना चाहती हूँ हर एक लड़की को जो मतलब स्पोर्ट्स के रिलेटेड से इन टच है, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, अगर टैलेंट है उसको शो करो, आगे बढ़ो। और मतलब हम किसी से काम नहीं, हम भी कर सकते हैं, जैसे लड़के खेल सकते हैं हम भी मतलब कर सकते हैं उसके लिए। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा हाथ मेरे सर का रहा, जिसका नाम है अब्दुल रशीद अहंगर। उसने मुझे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से प्रमोट किया श्रीनगर के लिए। और सजाद सर जो हमारे फिजिकल टीचर था, उसने मतलब बहुत अच्छा रोल उसका रहा। बाकी जितने भी टीचर्स थे उन्होंने मुझे, हर एक टीचर ने मुझे सपोर्ट किया इसमें। तो फिर आपने कहाँ क्रिकेट खेला? मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पार्टिसिपेशन किया डीपीएस में, उसके बाद जेकेसी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन किया। उसके बाद मैंने, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर एक स्टेट में मैंने पार्टिसिपेशन किया है, एज रांजी ट्रॉफी, एज T20, T23, अंडर 19, मैंने हर एक फॉर्मेट खेला। इन सच डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, मेकिंग अ चॉइस टू प्ले क्रिकेट फॉर वुमेन इज वेरी हार्ड, but Rubiya has proved that Kashmiri girls are not far behind from any other girl of the country. लड़कियों और लड़कियों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। जैसे लड़कों को रेस्पेक्ट मिलता है हर एक गेम में, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, वो भी अपना रोल अदा करे और आगे बढ़े।